कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुम् मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परमृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। अथर्ववेदी मांडुकोपनिषद की आगम प्रकरण पर विचार करते हुए अभी हम लोग तीसरा मंत्र पर है। यहाँ पे जागृत स्थान को वो तुरीयत पद को प्राप्त करने के लिए एक पैर के हिसाब से कहा गया, मतलब यहाँ पे बैठ करके विचार करते हुए आप जब जागृत स्वप्न सुषुप्त जागृत अवस्था में इन तीनों को पार कर जाएंगे तब आप अपने स्वरूप का अनुभव कर सकते। संक्षेप में यही इसका अभिप्राय है। जागृत काल में जो व्यष्टि अभिमानी चेतन उसका नाम है वैष्णव, परंतु ये वैष्णव विराट का ही अवयव है। ये उंगली अलग दिखने पर भी इस उंगली से हम अलग व्यवहार भी कर सकते हैं, परंतु जब तक शरीर के साथ जुड़ा हुआ नहीं इस उंगली को अलग करके रखो व्यवहार नहीं कर सकते। ये विराट पुरुष के साथ जुड़ा हुआ है, व्यापक चेतन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इंडिविजुअल शरीर व्यवहार कर पाते हैं, ये तो नहीं कर पाता। इसलिए ये व्यष्टि और समष्टि में भिन्नता नहीं है। इसको दिखाने के लिए यद्यपि बोला था अयम आत्मा चतुष्पद, अयम करके इस आत्मा को दिखाया है ना, अयम आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, स्वयं आत्मा चतुष्पद, इस आत्मा को दिखाया था, उसका अवयव को दिखाने के लिए दूर को दिखा रहा है। अभिप्राय क्या है, आध्यात्मिक अभिबोध दैविक में कोई भिन्नता नहीं है, एक ही है, क्योंकि वो व्यष्टि जो है समष्टि जो है हमारे यहाँ पे सामान्य रूप से क्या दिखाई पड़ता है, एक एक ईंटा जोड़ करके एक मकान बनते हैं, है ना, मतलब व्यष्टि से समष्टि रूप में आते हैं, परंतु वेदांत में इसका उल्टा, हमेशा पूर्ण व्यापक तत्व है, वो माया उपाधि के कारण परिच्छिन्न रूप में माया अथवा अविद्या से परिच्छिन्न रूप में टुकड़ा टुकड़े रूप में प्रतीति मात्र होती है। ये जो आपको और हमारे बीच में जो विशाल एक गैप दिखाई पड़ रहा है सामान्य आते, इसके बीच में कितना जीव है, क्या क्या भूत भौत देखा, आकाश है, वायु है, ये आपको दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए आप सोचते हैं कि खाली है, नहीं है, पूरे मैं पक्षी होते जाता है, दूसरे को बड़े दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। ये मुख्य है, ये वैष्णव आत्मा ये क्या है, जागृत स्थान का अभिमान करता है, मतलब स्थूल वस्तु के ऊपर अभिमान करता है, केवल बाहरी वस्तु को जान पाता है, मतलब अपने को छोड़कर स्वरूप को छोड़कर सबको जानता है इंद्रियों के माध्यम से, इसका सात अंग है और इसको अनुभव करने का कारण 19 है, एकोनविंशति भूत, ठीक है ना, स्थूल भूत ये केवल मतलब स्थूल वस्तु को भोग करते हैं, इसको व्यष्टि अभिमानी चेतन में इसको वैष्णव बोलते हैं और समष्टि में इसको विराट बोलते हैं। कल हम लोग देखो यहाँ तक पढ़ लिए थे पेज 20 में, है ना, ये जो है व्यष्टि समष्टि एक ही है, व्यापक का ये यदि मान्यता नहीं देंगे, व्यष्टि को अलग अलग मानेंगे ना, तब हमारा सिद्धांत भी द्वैत सिद्धांत हो जाएगा, अद्वैत की विशेषता नहीं जाएगी। तो जैसे शांकर जो दर्शन में पुरुष को अनेक माना, ऐसे ही न्याय वैशेषिक दर्शन में जीवात्मा परमात्मा को भेद माना, फिर जीवात्मा में अनेकत्व माना, पूर्वमीमांसा दर्शन से अलग अलग व्यक्ति को लेकर एवं कर्म का विधान किया हुआ है, हमारे दर्शन भी ऐसे ही हो जाता, हमारे दर्शन में कोई विशेषता नहीं होता। हिंदू शांकर दर्शन क्या दिखाते हैं, प्रत्येक जीव जीव का अलग अलग कर्म, अलग अलग कर्म का भोग, अलग अलग गुण की प्रवृत्ति, ये कैसे होगा, सीधा उत्तर है तुमने तो पुरुष में तो गुण माना नहीं, गुण तो तुमने प्रकृति में माना, तो प्रकृति के विकार में मान कोई दिक्कत नहीं, उसी में भिन्नता हो रहा है। इसलिए हम बोलते हैं व्यवस्था तो औपाधिक भेदम अधिकृत सुस्था भविष्यति, ठीक है ना, ये जो व्यवस्था है मतलब लोक व्यवहार निमित्त जो व्यवस्था है वो उपाधि के निमित्त से लेकर के व्यवस्था अच्छी तरह से हो जाता है, उपाधि के निमित्त से व्यवस्था। देखिए एक स्टेज में आप ड्रामा दिखाते हैं, ड्रामा दिखाते समय आपको भिन्न भिन्न प्रकार की लाइट दिखाना पड़ता है, तो आप अलग अलग प्रकार के लाइट नहीं लगाते, आप क्या करते हैं, एक सफ़ेद लाइट ही होता है उसके ऊपर भिन्न भिन्न रंग के डिस्क लगा देते हैं, लाइट अलग अलग कलर के दिखे। देखिए उपाधि के भेद से कैसे व्यवहार सिद्ध हो रहा है, ठीक है, इसी प्रकार से एक और भी सूक्ष्म चीज बताते हैं। ये चेतन स्वप्न काल में आप कितना जीव होता है, वहां पे एक अकेला ही मैं होता हूं,
और सब में हम अपने जीवत्व का आरोप करना व्यवहार करते हैं, है कि नहीं? चेतन एक ही है वहां पे, वही एक ही चेतन अपने मनोकल्पित राज्य बना करके और सभी में चेतन तक आरोप करके व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार माया निद्रा में सोए हुए हम एक ही चेतन सभी शरीर में चेतन तक आरोप करके व्यवहार करते हैं। जैसे वहां के वस्तु भी सही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे उसके बारे में ठीक नहीं है, ऐसा ही यहाँ पे समझ। ये मांडव को भी मुख्य की गई है, इसको यदि प्रकार में आता है कि व्यवहार कैसे होता है, वो बाद से व्यवहार होता है, शुद्ध चेतन में कोई व्यवहार नहीं है। इसी को भगवान भाष्य का अध्यास भाष्य में कहा, सारा प्रमात्र प्रमाण व्यवहार जो है अध्यास से ही होता है, अध्यास किए बिना भी व्यवहार हो नहीं सकता। अच्छा, अब देखिए कल अभी जो है बोलते हैं, ये जो आप अद्वैत अद्वैत बोलते हो ना, अभिन्नता, ये उपासना के लिए कहा गया है ताकि मन शुद्ध हो जाए, मन एकाग्र हो जाए, इसलिए ऐसा हमारी उपासना के लिए कहा गया है। इसलिए देखिए यहाँ पे टीका में पेज 20 टीका सेकंड पैराग्राफ वहाँ शुरू होगा, ठीक है? ननु भेदवादे अपि न अद्वैत श्रुति विरुद्धते, भेदवाद में भी बात क्या बोल रहा है, भेदवाद, और श्रुति क्या है, अद्वैतवाद, अभेदवाद, मतलब भेदवाद में भी अभेदवाद के साथ विरोध नहीं होता। शब्दों में देखिए कितना विचित्रता है, भेदवाद में भी अभेदवाद से विरुद्ध नहीं होता, भेदवाद बिना अद्वैत श्रुति विरुद्ध, जो आप अद्वैत श्रुति के साथ कुछ विरोध नहीं होता। क्यों नहीं होता, बोलते ध्यानार्थम, क्योंकि उपासना के लिए, ध्यान के लिए कहा गया, मानसिक एकाग्रता बढ़ाने के लिए, जैसे अन्नम ब्रह्म इति उपासित, आदित्य ब्रह्म इति उपासित, आकाश ब्रह्म, इस प्रकार वाक्य आता है उपासना का, इस प्रकार से वो लोग को ये नहीं कहना तत्त्वमसि भी उपासना पर वाक्य है, तुम नहीं हो, तुम तत्त्वमसि इस प्रकार चिंतन करो, तब अंत करो शुद्धता, द्वैतवादियों का ही मानना था। उनको वैदिक वाक्य के अर्थ की भिन्नता करने का शैली पता नहीं है। जरा सामान्य जरा देखो, मनो ब्रह्म इति उपासित, आदित्य ब्रह्म इति उपासित, आकाश ब्रह्म इति उपासित, तत्त्वमसि इति उपासित, ये वहाँ पर लिखा नहीं है, आपने ऐड कर दिया, परंतु वाक्य क्या है, इन दोनों वाक्य में भिन्नता आपको समझ में आ रहा है। उपासना नहीं भी हो कोई बात नहीं, आपको उद्धार कर, परंतु वाक्य तो देखिए वहाँ पे इति परक होकर क्या रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है तत्त्वमसि इति, मतलब इस प्रकार से, ऐसा यहाँ पे नहीं है, सीधा ज्ञान है। वैदिक वाक्य के अर्थ को समझने के लिए वाक्य के गठन की शैली को देखो, गठन की शैली को देखो, और वहाँ पे तत्पद में, तत्तमसि में, तत्पद में यदि आप सृष्टि समझ करना पड़ेगा तो तस्य तमसि, तस्य तमसि, तत्तमसि में जो पहला तत् है ना, तत्पद है, तत्तमसि, ये तत्पद और समस पद मानते हैं, वहाँ पे विभक्ति षष्ठी विभक्ति है, तत्पद का षष्ठी एक वचन क्या हो जाएगा, तत्पद बोल रहा हूँ मैं, उसमें नहीं, तस्य, हाँ विभक्ति का लोप हो गया, तो तस्य तमसि ऐसा करके अर्थ करेंगे, परंतु उनको ये पता नहीं है कि समास पद के उच्चारण में भिन्नता होती है। वेद पाठी लोग की जो समास पद में आप करें, भोगपुरी समास में आदि आदि अक्ष में क्या उच्चारण करने का उदाहरण, तो स्वर भिन्नता के कारण फल भिन्नता हो गया था, स्वर भिन्नता के कारण फल भिन्नता हो गया था, इसीलिए ये सब चीज एक बहुत सूक्ष्मता से विचार, तब ये पता लगता है कि बातों का क्या फर्क है। ये लोग बोलते हैं कि ये जो भेद और उपासना से भी हमारा अद्वैत शुद्ध श्रुति सिद्ध हो जाएगा, उपासना से अन्नम ब्रह्म इतिवत, इस प्रकार ध्यानार्थम अन्नम ब्रह्म इतिवत अद्वैत तत्व इति उपदेश सिद्धि, इस प्रकार अद्वैत तत्व का चिंतन करो, वास्तविक अभिन्नता नहीं है, इसका चिंतन करने से मन थोड़ा शुद्ध होता है, इतना ही, अथवा क्या होता है, तुम्हें अर्थवाद है ये, तुम इतने बड़े हो, तुम इतना काम कर सकते हो दिखाने के लिए, ऐसा अर्थवाद आएगा। इस प्रकार से जो है उपनिषद भाग की अर्थ करते हैं कुछ लोग, उपदेश सिद्ध, इस प्रकार से अद्वैत सिद्धांत का जो उपदेश है वो सिद्ध हो जाता है, ऐसा कुछ शंका करते हैं, तो उसको उत्तर में भगवान भाष्यकार बोलते हैं ऐसी बात नहीं है। देखो आप हर उपनिषदों में, आप ही ने पूर्व मीमांसा दर्शन ने सूत्र बनाया, क्या सूत्र बनाया कि उपक्रम संघार अभ्यास पूर्वता फलम अर्थवाद उपत्तिश्च षडलिंग तात्पर्य, किस ग्रंथ भाग की क्या तात्पर्य है ये तुमने निर्णय किया, हमें नहीं, ये सूत्र वेदांति ने नहीं बनाया, ये पूर्व मीमांसा है, उपक्रम संघार अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवाद उपत्तिश्च षडलिंग तात्पर्य, ग्रंथ भाग की तात्पर्य निर्णय करने के लिए छह लिंग होता है, ठीक है? अब जो है
यहाँ पे जिस प्रकार ईशावास उपनिषद के कौन सा ग्रंथ वक्ता को भाषण है, कौन सा ज्ञान है, उसको तात्पर्य निर्णय की न देखो। छांदोग्य उपनिषद छठ अध्याय में अलग करके देखो आप, वहाँ का गोपनों को संभाग अभ्यास कठ उपनिषद में देखो, तो आपको पता लगेगा कि ये उपनिषद भाग जो है आपको ऐतिहासिक उपनिषद ने एक एक करके दिखाया था। आपको ऐतिहासिक उपनिषद पढ़ते समय इच्छा है देखो कैसे उसके सारे ग्रंथ भाग के तात्पर्य निकाला जाता है। सामान्य ईशावास उपनिषद के मंत्रों द्वारा बहुत याद होगा। देखो ईशावास में का पहला मंत्र है, ये उपक्रम है, और इसका आठवां मंत्र है सपत्युगा शुक्रमा कायम अपना विनम चिंतम अपापवित्त, ये उसको प्रसंग है। ज्ञान का यहीं पर समाप्त हो जाता है। आगे उपासना आता है, वहाँ का विद्वांस अविद्वांस संभूति असंभूति, आप निर्णय कैसे करेंगे। उपासना अलग है क्योंकि उसका देखो फल कथन मार्गदर्शन अलग है। अग्नि सुपता राय वैदिक वाक्य को विचार करने के लिए आपको बहुत सावधानी से एक ही ग्रंथ में कहाँ तक उपासना भाग है, कहाँ तक ज्ञान भाग है, आप देखिए। ईशावास से शुरू करते हैं, स्वपर्णों का अच्छी ज्ञान करने समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद उपासना क्यों आया, क्योंकि श्रुति जानती है क्योंकि सभी उत्तम अधिकारी नहीं होती, तो वहाँ पे फिर करता है विद्या अविद्या और आपका संभूत असंभूत उपासना के बारे में वर्णन करते हैं, उसका फल कथन अलग है। तो ज्ञान भाग में देखिए आप कि स्वपर्णुगा जो कभी होगा उपकोषण का जो ईशा स वो क्योंकि ईशा वास्तविकता से क्या बोला, जो सारा संसार उस एक तत्व से व्याप्त कर देना चाहिए, उसी को तक बोलते सब वो सारा तत्व एक ही तत्व पूर्ण स्वपर्णुगा शुक्रपर्ण परिसमता आधार चारों तरफ फैला हुआ है। एक वो उपकोषण का एक तत्व अभ्यास जिस तत्व को ईशा तत्व का द्वारा जिसको कहना चाहते हैं उसी का ही अभ्यास करते हैं। तले जाती तन नहीं जाती अन्य लेखन मनुष्य इस प्रकार से उसी का अभ्यास करते हैं। उसी के बाद अभ्यास मतलब जिस तत्व का हम प्रतिपादन करना चाहते हैं उसी को बार बार दिखाना, उसका मतलब समझने के लिए उपाधि के साथ उसको कहना अभ्यास। अपूर्वता, अपूर्वता मतलब यूनिकनेस। हम संसार में सारा वस्तु को आप इंद्रियों के द्वारा मन के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं जहाँ तक होगा परोक्ष रूप में, परंतु यही एक जो है आध्यात्मिक वस्तु है जो इंद्रिय नैनम देवा आत्मा देवता लोग भी इसको प्राप्त नहीं कर सकते। देवता तो इंद्रिय का अधिष्ठात देवता वो भी उसको प्राप्त इस देर यूनिकनेस नैनम देवा ईशा का शुक्र से चौथा मंत्र है शायद ये अनेज देखा मनुष्य देवी नैनम देवा अपने फोर्थ मंत्र है। अच्छा तो क्या हो गया उपकम संग अभ्यास अपूर्वता फिर फल तत्र को महाकोश हो गया एक कथ दर्शन की महान फल दिखाया शोक के अत्यंत शोक उपकुमसंघर अभ्यास अपूर्वता फल अमियोग अच्छा है। उपकुमसंघर मिलकर के एक लिंग होता है और दो नहीं होता है। उपकुमसंघर का एक लिंग अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवाद, अर्थवाद मतलब स्तुति के लिए। वहाँ पे स्तुति दो प्रकार से होता है, या तो जिस वस्तु का कहना चाहते हो उसको सीधा सीधा स्तुति करते हैं, अथवा उसका प्रतिबंधक वस्तु का जो निंदा करने से देखो इससे ये अच्छा है। असुविधा नामते लोका अंधेन तमसाविता देखो मतलब ज्ञान की फल क्या, ज्ञान की फल क्या है शोक मोह से निवृत्ति, और कर्म की फल क्या है आपको असुषम भोग संबंधित लोग बजाना पड़ेगा। असुरिया नामते लोक अंधेन तमसाविता तांसे प्रत्यभिगच्छन्ति जे केच आत्महनोजना विद्यमान आत्मा यहाँ पे है उसको नहीं देखते अनदेखा कर देने वाले व्यक्ति को क्या दुर्गति होता है, बार बार भोग संबंधित लोग आना पड़ता है। इससे क्या हो गया आत्मज्ञान की प्रशंसा, वो कर्म की निंदा करने के लिए नहीं है, आत्मा की प्रशंसा करने के लिए न्याय बनाया उसके लिए। नहीं निंदा निंदितु नहीं निंदा निंदनीय निंदितु उत्सहते अभी तो विधेयस्य स्तोत्रम जो विधान करना चाहते हैं उसकी स्तुति के लिए बोला गया। तो हो गया यहाँ पे कि उपक्रम संघर अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवाद, अर्थवाद मतलब इसको जो है स्तुति, स्तुति अर्थवाद क्या बोला हमने कि कर्म की निंदा, अपूर्व अर्थवाद उपपत्ति, उपपत्ति मतलब युक्ति, युक्ति कैसे अब युक्ति एक चेतन तत्व रहने के कारण ही जड़ में व्यवहार होना संभव है। जड़ में व्यवहार को देख करके आप निश्चय कर सकते हैं पीछे यदि कोई चेतन तत्व तो नहीं होगा तो ये व्यवहार होना संभव नहीं होता। तस्मिन आपो माधुरिश्व दधाति स्तुति वाक्य है मतलब तस्मिन सति उस शुद्ध आत्म तत्व ईश रहने के कारण ही हिरण्यगर्भ अथवा ईश्वर समस्त कर्मों का फल दे पाते हैं, एक चेतन लोग कर्म फल भोग पाते हैं। तस्मिन आपो माधुरिश्व दधाति ठीक है ना, ये हो गया आपका उपपत्ति युक्ति।
ठीक है। तो शैल एक को देखा आपने, उपक्रम संघर एक, उपक्रम संघर अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवाद तात्पर्य। एक हमारे पास एक पुस्तक है जिसमें ना सारे उपनिषदों का षडलिंग के तात्पर्य को अलग अलग करके लिख रखा है। हमारे पास कैलाश से प्रकाशन एक पुस्तक, हमारा आईपैड में देखना होगा। क्या नाम, क्या तात्पर्य निर्णायक लिंगन ऐसे रूप में है। वो हर एक उपनिषद का कहाँ से उपनिषद में कहीं उपासना भाग भी है उसका अलग है, कहीं तो कर्मकांड भी उसका अलग है। इसको एक हो ना कि आपको जो दर्श पूर्णमास प्रकरण में पढ़ा गया है उसमें क्या है उसका अंग है, इस हिसाब से पूर्व में दर्श में निर्णय किया। इसी का था प्रवेदन तो यही बोलते थे ज्ञान कांड है ये। इसीलिए यहाँ पे जो उपासना के लिए नहीं है, तात्पर्य जो निर्णय लिंग से निर्णय होता है कि एकत्व बोधक ज्ञान से ये फल प्राप्त होता है। अलग अलग फल कथन है इसलिए प्रकरण अलग है। किसी एक चीज को विधान करके, शास्त्रों के द्वारा किसी एक चीज को विधान करके उसके साथ यदि फल कथन कर देते हैं तो एक अलग प्रकरण हो गया। कई शैली है शास्त्र को समझने का। यहाँ पे बोल रहे देखिए, इष्यति च सर्व उपनिषदम सर्वात्म ऐक्य प्रतिपादक। भाषण ही बोला समस्त उपनिषदों में एक आत्म एकत्व की वो यही हमारा प्रतिपाद्य विषय है। अविष्ट यही है कि जीव ब्रह्म एकत्व की प्रतिपादन समस्त उपनिषदों का यही विषय है। कैसे सिद्ध होगा तो वहां पे बोल रहे हैं टीका में देखिए, उपक्रम प्रसंहार एक रूप्याधीना। ठीक है ना, उपक्रम प्रसंहार की एक रूपता है ना, आधीना मतलब क्या हो जाएगा तात्पर्य निर्णय शैलिंग। उपक्रम प्रसंहार ऐक्य रूप्याधीना सर्वासाम उपनिषदाम है ना, उपनिषद स्त्रीलिंग है इसीलिए सर्वासाम है ना, आम सर्वनाम शुट शुट हुआ आकार हो गया वहां पे। तो यहाँ पे सर्वासाम उपनिषदाम समस्त उपनिषदों का सर्वेषु देहेषु समस्त शरीरों में आत्म ऐक्य प्रतिपादन परतमिष्टम, समस्त शरीर में आत्मा एक ही है यही प्रतिपादन करना अभिष्ट है इसका समस्त उपनिषदों का यही अभिप्राय विषय वस्तु। ठीक है ना, अत न ध्यानार्थकम, इसलिए उपासना के लिए ध्यान के लिए अद्वैत श्रुति इष्टुम सक्तम, अद्वैत श्रुति अभिष्ट है ये तुम नहीं कह सकते। तात्पर्य निर्णय के लिए को देखो, उपासना प्रकरण अलग है उसको, उसमें उपासना का ही फल है, परंतु ज्ञान का फल अलग रूप में कहा गया, अलग करके विधान किया। और ज्ञान में विधि भी नहीं होती, ज्ञान में विधि नहीं होती। यद्यपि शास्त्र में कहा गया है कि आत्मा बड़े दुष्ट दुष्ट, विधि तो उसके लिए होता है आपसे भिन्न और अप्राप्त वस्तु के प्राप्ति के लिए, जहाँ कहीं भी विधान किया गया है तभी अवस्था। अभी अज्ञात अवस्था में आत्मा अप्राप्त रूप में लगता है, इसीलिए कहीं कहीं परिसंख्यान विधि का मान्यता दी गई है, परंतु वास्तविक ज्ञान में विधि नहीं होता, ज्ञान का स्वरूप है। इसके विधान क्या, विधि तो उसके लिए होता है जो अप्राप्त वस्तु अपने पास नहीं हो, इस प्रकार की वस्तु को प्राप्त करने के लिए वे अपूर्व की जो विधान करते हैं उसको विधि बोलते हैं, इसको करो ये मिलेगा। और ज्ञान तो हमारा स्वरूप है इसके लिए, इसलिए यहाँ पे जो है मतलब जब आत्मा हमारे दृष्टव्य से होता है मानते इस वाक्य को लेकर के बोलते हैं ब्रह्मसूत्र में सारा चीज को अच्छी तरह समझे है, ज्ञान में विधि होना संभव नहीं है। और यदि नहीं मानते हो मन नहीं मानते हैं तब ठीक है, परिसंख्यान विधि मान लो। परिसंख्यान विधि मतलब नहीं करने से यदि काम नहीं चलता तो मान ना करो, और करने के यदि है तो इतना मात्र करो, इसको परिसंख्यान विधि बोलते हैं। तो यहाँ पे आगे बोलते हैं, उपकृत संहार ऐक्य रूपाधीना सर्वासाम उपनिषदाम सर्वेषु देहेषु आत्म ऐक्य प्रतिपादन परतम इष्टमत न ध्यानार्थकम अद्वैत श्रुतिरिष्टु। इसका अद्वैत श्रुति ध्यान के लिए है, ये तुम्हारा अभी अभिष्ट है, ये तुम कह नहीं सकते हो, कह नहीं सकते हो। क्यों, वस्तु परत्व लिंग विरोधादिति अर्थ, वस्तु परत्व मतलब आत्म वस्तु परत्व मतलब बोधकत्व, आत्म वस्तु के बोध कराने के लिए जो लिंग षटलिंग दिया है उसके साथ विरोध हो जाएगा, निर्णय नहीं कर पाओगे। इसीलिए वस्तु परत्व लिंग विरोधा आत्म वस्तु बोधक जो लिंग है वहां पे है ना, जैसे शाला उपनिषद में लिखा है हमने इसी प्रकार से। अब वहां पे तो देखिए कठोपनिषद में तो एक ही श्लोक के नचिकेता दे दिया पूरा, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृता अन्यत्र भूतात् च भव्यात् च यत्तत् पश्यसि तद्वत्। किस वस्तु को नचिकेता ने पूछा, सीधा सीधा अपनी जमराज नचिकेता की स्तुति करने लग गए। जमराज नचिकेता बोलता है रुको रुको स्तुति बहुत हो गया, जो मैं पूछा उसका उत्तर दो ठीक से।
तो क्या पूछा तुमने? तो धर्मत्र धर्मान्तर धर्मान्तर, जो धर्म धर्म से परे है, जो कार्य कारण भाव से परे है, जो काल से परे है, अन्नत्र धर्मात् अन्नत्र धर्मात् अन्नत्र अस्मात् पिता पिता अन्नत्र भूतच्च भव्यच्च जब तक पश्यति, जिसको तुम जानते तब मैं बता उसको मेरे को। अब इसको इसका आगे क्या चाहिए? कठोपनिषद किसको प्रतिपादित हो? ओंकार उपासना जब तक वहां भी है, एतद् अलम्बनम् श्रेष्ठम् इदम्, किंतु वो ओंकार उपासना में प्रतिपादित नहीं है, वो तो एक सहायक मात्र है मन को स्थिर करने के लिए। मुख्य प्रतिपादित विषय द्वितीय प्रश्न में जनती कशन ने बड़ माना था उसमें यही है, धर्म धर्म से कार्य कार्य भाव से काल से परे जो तथ्य उसके बारे में आप लोगों को बताओ, ठीक है ना। इसलिए आप जो है यदि ऐसा करोगे तो श्रुति के साथ विरुद्ध हो जाएगा, वस्तु परत्व लिंग विरोधा इति अर्थ। अब इस प्रकार से अध्यात्म अधिदैव एकत्वम उपेत, अध्यात्म और अधिदैव है ना, इन दोनों की एकत्व को मान्यता देकर उपेत ग्रहण करके अद्वैत पर्यवसान सिद्ध, ये समस्त श्रुति की अभिप्राय भेद रहित एक व्यापक तत्व ही है। ये सिद्ध हो जाने पर सिद्धे सती आध्यात्मिकस्य व्यष्टियात्मन विश्वस्य, जो व्यष्टि परिचेतन परिच्छिन्न जो विश्व मतलब विश्व विश्वस्य विश्व अथवा विश्वनर्दन उसी को त्रैलोक्य आत्मकेन अधिदैविकेन विराजा, इसका इसके साथ इसका मतलब क्या हो जाएगा? विश्व मतलब विश्वनर इंडिविजुअल मतलब व्यष्टि उपहित चेतन, व्यष्टि स्थूल शरीर उपहित चेतन, व्यष्टि स्थूल शरीर उपहित चेतन समष्टि स्थूल शरीर उपहित चेतन के साथ एक है, ये कहने में कोई गलती नहीं है ना। इसलिए बोलते हैं कि इसका इसलिए षष्ठी विभक्ति दिया आध्यात्मिकस्य व्यष्टि आत्मन विश्वस्य है ना, आध्यात्मिक परिच्छिन्न व्यष्टि उपहित चेतन त्रैलोकात्मकेन अधिदैविकेन विराजा समष्टि, त्रैलोकात्मक समष्टि त्रिलोकात्मक जो शरीर है अधिदैविक विराट पुरुष उसके साथ स्थूल शरीर यहाँ पे है ना एकत्र गृहित्वा, इसके दोनों एक है इसको ग्रहण करके जब तस्य सप्तंगत, वो जो आध्यात्मिक को दिखाता है उसका सप्तंगन तो बताया मूर्धा आदि, इसमें कोई विरोध नहीं है क्योंकि श्रुति की अभिप्राय की आध्यात्मिक और अधिदैविक की अभिन्नता को साधक समझे। ये उपासना के लिए नहीं है, हर हालत में नहीं है, पहले बोल करके आया था ज्ञान की प्रकरण है ये, उपासना नहीं है, इसमें एक भी उपासना नहीं है। इसीलिए आप बोलते हैं कि आध्यात्मिक अधिदैव और एकत्व मुख्यत्व द्वैत पर्यवसने जब तक पर्यवसन सिद्ध सति आध्यात्मिकस्य व्यष्टि आत्मन विश्वस्य त्रैलोक्य आत्मकेन अधिदैविकेन विराजस, छह के साथ अन्य होगा तृतीय अंत पद और षष्ठी अंत पद एक तरफ रखो, तृतीय अंत पद एक तरफ रखो, इसका इसके साथ एकत्व एकत्व ग्रहित्वा उसको ग्रहण करके जब तस् सप्तंगत्व, ये जो विश्व हमारे विश्व का अथवा आत्मा को लेकर के जो सात अंग कहा गया उक्तम सप्तंगत्व तब अविरुद्धम, उसमें कोई विरोध नहीं है, इति उपसंहार इसको मन में रखते हैं भगवान भाष्यकार। अब उपसंहार करते हैं तृतीय में, अत युक्तम एव अस्य भाष्य में, अत युक्तम एव अस्य आध्यात्मिक पिंडात्मन द्युलोक आदि अंगत्वेन विराट आत्मना अधिदैविकेन एकत्वम अभिप्रेत सप्तांगत्व वचनम। ये सप्तांगत्व वचन यहाँ पे विराट पुरुष के साथ एक करके जो कहा गया है ये बिल्कुल सही है ना, क्योंकि श्रुति की यही अभिप्राय एकत्व बोध हमारे अंदर जब आता है। एक नंबर टिप्पणी विश्व विराजयोर एकत्व है ना, व्यष्टि अभिमानी निचेतन और समष्टि अभिमानी निचेतन, व्यष्टि और समष्टि में एकत्व नहीं है, एकत्व कहाँ पे चेतन उपाधि को अपोहन में तो भेद दिखेगा ही दिखेगा, उसको लेकर वो शास्त्र प्रतिपादन नहीं करना चाहता, जो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा दिखाई दे रहा है वो शास्त्र प्रतिपादन तो नहीं हो सकता, शास्त्र विरुद्ध प्रतिपादन भी नहीं करेगा, शास्त्र तो उसके प्रतिपादन करेगा जो दुष्ट आंख से नहीं दिखाई देगा आपको, वो शास्त्र प्रतिपादन विषय होगा, इसलिए वो अभिमानी चेतन को लेकर के बोल रहे हैं। ये बोलते हैं विश्व विराज एकत्व, एक नंबर टिप्पणी हो गया वहां पे, ठीक है। ये पंक्त युक्तम एव, इसलिए युक्ति संगति है अस्य आध्यात्मिकस्य पिंडात्मन, जो आध्यात्मिक पिंड ठीक है ना, ये जो सामने दिखाई दे रहा है पिंडात्मन पिंड एक वचन है, द्युलोकादि अंग उसी का जो अंग द्युलोक हो गया इस रूप में विराट आत्मना विराट पुरुष के साथ विराट व्यष्टि समष्टि उपहित चेतन के साथ उसी को अधिदैविक शब्द का द्वारा कहा जाए अधिदैविक एकत्व, उसके एकत्व अभिप्रेत, इसका अभिप्राय में रखते हुए श्रुति ने क्या दिखाया
ये दिखाया तो आया महात्मा और अंग को दिखाया दुलोक से लेकर के पृथ्वी तक। इससे क्या ध्यान, इस आत्मा की पूर्णता को बच्चों को दिखाना चाहता है। सप्तंगत्व वचन यहाँ पे सप्तंग कथन किया गया, ये समझना चाहिए। अब देखिए इसी को समझाने के लिए अलग अलग श्रुति कैसे कैसे इसको प्रतिपादन किया वो कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं अध्यात्म टीका में भी अध्यात्म अधिदैव ऐक्य अध्यात्म अधिदैव ऐक्य हेत्वांतरम आह। इसमें एक दूसरा कारण भी दे रहे हैं आप लोग। अभी जो वशनन विद्या है वहाँ पे जो है ना उपमन्यु उपमन्यु फिर जन सार्गराक्ष बुढ़ी अश्वतरी इस प्रकार पांच ऋषि पहले उद्दलक अरुणी के पास ये सब वशनन उपासक थे, परंतु ये विराट पुरुष के एक एक अंग को ही वो पूरा वशनन मान के उपासना करते थे। कोई सिर को ही वशनन मानते थे, कोई आँख को वशनन मानते थे, कोई शरीर को वशनन मानते थे, कोई वस्ती देश को वशनन मानते थे, कोई पैर को वशनन मानते थे। इस प्रकार अलग अलग ऋषियों की अलग अलग मान्यता है। परंतु उन लोग समझ गए थे कि ये तो फिर भी हमारा जो कुछ गड़बड़ है कि हमें जो अभिष्ट फल है उपलब्ध नहीं हो रहा है। तब पहले पांच ऋषि उद्दालक आरोपी के पास गए थे, वो समझ गया कि वो भी तो केवल पैर का ही वशन समय पृथ्वी को वशन समय करते थे। वो अलग अशुपति को एक एक के पास गए, वो वशन उपास करके यथार्थ उपास करते उनके पास गए। तो उनके पास जाने के बाद बाकी बीच में नहीं बोलता पूछा तुम किस को वशन रूप में, बोलते मैं दुलोक को जो है केवल उसी को वशन रूप में उपासना करता हूँ। वो तो केवल वशन है उसका सर है, यदि तुम मेरे पास नहीं आते और कोई तुमको पूछता तो क्या होता तुम्हारी मूर्छा गिर जाती। ये तो वशिष्ठ पुरुष का आँख है, यदि मेरे पास नहीं तो तुम अंध हो जाते। ये तो वशिष्ठ पुरुष का शरीर है, तुम्हारा शरीर टूट जाता, तुम्हारा पैर तो पंगु बन जाते। ऐसा करके एक एक अंग को पूर्ण समझ के उपासना का फल, एक एक अंग को पूर्ण समझ करके उपासना का फल विकृत होता है, यथार्थ फल प्राप्त नहीं होता। अब इसी प्रकार से हम मैं पूर्ण हूँ इसको नहीं समझ करके अपने को परिच्छिन्न मान करके चिंतन करने के बल विकृत का सुख देवी होते रहूंगा, दुख से बच नहीं पाएंगे। इसी को समझाने के लिए यहाँ पे बोलते हैं कि देखो एक और भी हम आपको बोलेंगे, दो जगह पे दिखाएंगे, एक होगा चांदोग्य उपनिषद और एक होगा हमारा बृहदारण्यक मधुब्राह्मण, ये दोनों को लेकर करके समझाएंगे ये आध्यात्मिक और अधिदैवी की एकत्व को शास्त्र में कैसे प्रतिपादन किया। आध्यात्मिक और अधिदैवी की एकत्व के क्योंकि ये तो केवल ज्ञान का प्रकरण है, छोटे में बोल दिया, दिखाया आत्मा को सर दिखाया दुलोक को, क्या दिखाना चाहता है अभिप्रेत क्या है। आध्यात्मिक और अधिदैवी में एकत्व है, हमको समझ में नहीं आ रहा तब दूसरा श्रुति का मदद से समझा है। ऐसी श्रुति की एक रूपता को भी देखा है। देखो सारा श्रुति चाहे शब्द की भिन्नता हो तो तरीका सब एक ही प्रक्रिया की, इसलिए यहाँ पे आगे भी बोलते हैं मूर्धा मूर्धा ते व्याप्रतिशत इत्यादि लिंग दर्शनाथ। चल छोटे में भगवान भाष्यकार बोल दिया, कहाँ से बोला कैसे बोला इतना तय नहीं लगेगा है ना, केवल इतना बोलने के बाद बोलते हैं मूर्धा ते व्याप्रतिशत इत्यादि लिंग दर्शनाथ। चल जनरली क्या होता है पठन 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 के क्रम जो हमको मुक्ति को उपनिषद से पता लगता है, ईश्वर केन कठ मुंडक मांडुक को फिर तैतरीय ऐतरीय फिर छांदोग्य में आते हैं। और यहाँ पे भगवान भाष्यकार छांदोग्य को यहाँ पे उद्धृत किया हुआ है। आज जो व्यक्ति छांदोग्य नहीं पढ़ उसको तो पता ही नहीं है कहाँ से क्या बोलना चाहता, केवल एक शब्द मूर्धा ते व्याप्रतिशत इतना कह दिया। ये छांदोग्य उपनिषद वशिष्ठ विद्या पंचम अध्याय के हमको लगता है 12 या 13वां खंड से शुरू होता है, 23 24 खंड तक जाता है अंतिम तक जाता है। सामान्य घटना तो ऐसे ही है कि अलग अलग ऋषि अलग अलग एक अंग को पूर्ण वैश्वान समझ कर उपासना करते थे। दुलोक उसका मूर्ता है उसी को पूर्ण वैश्वान उपासना करते थे। तो जब उत्तर इसके पास अशुपति को एक के पास गए, अशुपति को एक ही बोल रहे हैं कि यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो तुम्हारा इस गलत ज्ञान तुम्हारा मूर्धा तुम्हारे दो के सामने तुमको अपमानित कर देगा। उसी को देखिए बोल रहे हैं अभी टीका में दिव आदित्य अधिकम वैश्वानर अवयवम वैश्वानर बुद्ध्याध्याय तो जिज्ञासया पुनर अखंड पक्षम उपगत मूर्धा ते व्यापतिष्यत यन्माम न आगमिष्य इति अंध अभविष्य यन्माम य इत्यादि व्यस्त व्यस्त उपासना निंदा समस्त उपासना विधिशया दृश्यते।
ठीक है, पहले पंक्ति को पढ़िए, क्योंकि आपको अपने आप पंक्ति लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? दिव आदित्य अधिकम, दुलोक को मूर्धा, आदित्य को छाक, ऐसा करके अलग अलग मानी, इसलिए दिव आदित्य अधिकम। वहां पर टिप्पणी को पढ़ूंगा मैं बाद में। दिव आदित्य अधिकम, ये वैश्यनर अवयव में क्या है? वैश्यनर पुरुष का अवयव है, दुलोक आदित्य के पैर तक के अवयव है। अवयव वैश्यनर बुद्धिया, यही संपूर्ण वैश्यनर विराट पुरुष है। इस बुद्धि से ध्यायत उपासना करने वाले व्यक्ति का है ना जिज्ञासया पुनर, जब उसको पूछा कि तुम किसको उपासना करते हो, तो बोलते हैं कि मैं दुलोक को पूर्ण मूर्धा, मतलब दुलोक को पूरा वैश्यनर समझ कर उपासना करता हूँ। ऐसा जब उत्तर दिया, जिज्ञासया पुनर अखंड पक्षम उपगतस्व, मैं इसी को अखंड पक्षम, तब क्या बोला? मूर्धा ते व्यपतिष्यत जन्मानं, अरे तुम एक हाथ को ही तुम पूरा मनुष्य मान करके उपासना करते हो, पैर को पूरा मनुष्य मान करके उपासना करते हो, तो तुम्हें जो है उस अंग तुम्हारा खराब हो जाता है, उस अंग तुम्हारा विभूत जाति, मतलब जिस जिस अंग को तुम पूर्ण मानते हो, मतलब उसके तुम काम नहीं कर सकते, काम नहीं ले सकते। शरीर के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो तो हाथ अकेला क्या काम करेगा, पूरा आत्मा के साथ जुड़ा पैर अकेला क्या काम करेगा, यही उसका खराब होने का अभिप्राय है। इसलिए बोलते हैं वहां पे कि उपगतस्य मूर्धा ते व्यपतिष्यन् जन्माम् न आगमिष्यति, तुम्हारा मूर्धा गिर जाता है, लेकिन मेरे पास आकर के इस प्रकार कुछ करके इसका सही इसको नहीं जानते तो तुम अपमानित हो जाते हो, सुन मतलब तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि तुम गलत उपासना करते हो। अच्छा, फिर उसी प्रकार से अंध अंध अभविष्य, तुम अंध हो जाते जन्मा, तुम केवल मात्र सुते जा, ये जो आँख को छूटते हुए तुमने विराट पुरुष मानकर उपासना की, वो तो उसका अंग मात्र है। यदि तुम इस प्रकार से हमारे पास नहीं आके ठीक नहीं करते, तुम कभी अंध हो जाते, मतलब तुम्हारी दृष्टि रुक जाती, ठीक से विचार दृष्टि नहीं करते। ये सब जो है छंद को प्रश्न आएगा, जब पढ़े उसको पता लगेगा। अब दुर्जन माम इत्यादि व्यस्त उपासना निंदा, इस प्रकार से क्या किया, अलग अलग एक एक अंग को पूरा समझ के उपासना को निंदा किया गया है, एक एक अंग को पूरा समझ के उपासना करने का निंदा किया गया है। निंदा समस्त उपासना विधि से, उसमें क्या कहना चाहता है, पूरा वैश्यनर पुरुष को उपासना को उसको विधान करने के चले, समस्त उपासना मतलब व्यस्त उपासना शुरू कर समस्त उपासना को। अभी प्रत्यक्ष समझ में आया, व्यस्ती मतलब एक परिच्छिन्न शरीर को रक्षा करने के लिए चिंतन करते हो, जिंदगी भर करते हो, अरे पूरा सृष्टि की रक्षा के चिंतन करो, तब तुम्हारा दिमाग खुलेगा, है कि नहीं? आप खुद ही देख लो, ये व्यस्ती और समष्टि मतलब केवल मात्र व्यस्ती का आजकल ही हो रहा है, केवल व्यस्ती को लेकर के जीने की सब सारा प्रयास करते हैं। पहले ऋषि लोग समष्टि को लेकर के सोचते थे, इसीलिए उनका दृष्टि अलग होता था, दृष्टि अशुद्ध होता थी, दृष्टि अलग होता था, और उसी से उसका लाभ होता है, इसीलिए और उसी को विधान करना श्रुति चाहती है कि व्यस्ती दिखाया कि देखो एक अंग को पूरा समझ करके तुम सोचते हो कि बस केवल मैं ही लेकर के चलो तो मैं जिंदगी में पूरा हो जाऊंगा, बस इतना ही ठीक, इतना ही सब कुछ है, ये नहीं होता, ये नहीं होता, उससे तुम समाज में प्रतिबंधित हो जाओगे, रुक जाओगे, तुम्हारे विचार दृष्टि भी रुक जाएगा, मतलब सबके लिए सोचो, दृष्टिभंगी को पढ़ो तो समाज में प्रतिष्ठित हो जाएगा, केवल इतना ही नहीं व्यवहारिक प्रतिष्ठा मिलेगा और पारमार्थिक दृष्टि में आगे बढ़ेगा। इसलिए ये श्रुति यहाँ पे कहते थे कि पुनर् अखंड पक्षम उपगत मूर्धते व्यपतिष्य जन्माम् न आगमिष्यति, अंध अभविष्य जन्माम् इत्यादि व्यस्त उपासना निंदा, इस प्रकार व्यस्त उपासना की निंदा समस्त उपासना विधत्से दृश्यते, समस्त समस्त उपासना के विधान करने की इच्छा से कहा गया, ऐसा दिखाई देगा, ऐसा समझ में आता है, ठीक है। अब वहाँ पे टिप्पणी देखिए 5, 6, 7, पांच नंबर टिप्पणी में एक व्याकरण की बात कहते हैं, वहां पे देखिए दीव शब्द में आपके पास हलंत पुल्लिंग में दीवो औथ दीवो उथ दो सूत्र आता है ना, दीव के बकार को आपका उकार आदेश हो जाता है यदि बाद में हल होता तो, ठीक है ना। अब तो यहाँ पे दीवा लिख दिया, हम दू लोग होना था, दू होना चाहिए, वकार को आपका क्या हो जाता है, ऊ होता है, और फिर जो ई के बाद ऊ आया है तो द्यू बन जाता है, वकार है ना, दीव वकार को ऊ हो जाता है, और द में इकार की मात्रा है तो इकोन चाहिए, तो कहते हैं दीव द में और ऊ की मात्रा क्यों होना चाहिए, परंतु का होता है पदांति हरि, तो वहाँ पे ये बोल रहे हैं दीव ऊ इति अत्र, और दूसरी बात
एतत् तदोषु लोप अकार अनाय समास हलि, ये दोनों सूत्र जो है ना, ये है 6-1 एक 131 एक 132 एक ही अध्याय की एक ही पाद में हमको लगता है 6-1 अथवा 6-3 में 131-132 सूत्र नंबर है। इस सूत्र से जो हली है ना, हल हल बाद में हो तो, मतलब व्यंजन वर्ण बाद में हो तो तब क्या होता है, यहाँ से इसको आकर्षण ये किया लाया गया है। सूत्र से अदृष्टम पदम सूत्रांतर अनुवर्तनीयम, हलंतम पहला सूत्र आता है उसी का वृत्ति में लिखा है, सूत्रेषु अदृष्ट पदम सूत्रांतर अनुवर्तनीय, वहां से ये जो यहाँ पे हल नहीं दिखाई पा रहा है दिव उद में, इसका बाद वाला सूत्र से वहां पे हल का अनुवर्तन करना है, लाना है, मतलब दीप शब्द में जो वकार है, वकार को आप उकार कर दीजिए, बाद में हल व्यंजन वर्ण हो तो, बाद में व्यंजन वर्ण हो तो, यहाँ पे दीव के बाद क्या पद आया है, आदित्य, आदित्य में व्यंजन वर्ण है कि स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण, इसीलिए वहां पे दू की वकार को वहां पे उकार नहीं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे द्यू शब्द आता है, अशोभ अवलोक गौतम कैसे करके दिखा, द्यू लोग को दिखाते हैं, यहाँ पे दिव्य शब्द आपने कैसे प्रयोग कर दिया, आनंद गिरिज ने टिप्पणी का तुरंत देख लिया कि व्याकरण की बात है ये, है ना, दिव्य प्रथम एक वचन मतलब तो ऊ होता है, फिर दिव्य कुछ आगे पदांत हल में यहाँ पे क्या होता है कि वो ऊ हो जाता है, अब आप टिप्पणी को पढ़िए आपको समझ में आ जाएगा। ये दोनों सूत्र एक 131 एक 132 दिव्य ऊ और दिव्य ऊ, और एक आया है आपका लघु में, दोनों सूत्र आया है, एक आया आपका विसर्ग संधि में, एक हलंत पुलिंग में, विसर्ग संधि में और एक विसर्ग संधि का 10 लास्ट पट सूत्र है कि तत् एतद् सुलोप अपर अनाय समास हरि, तत् और एतद् की सकार का लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप यदि अप एतद् का इस प्रकार का अनाय समास, अनाय समास ना हो तब जाकर वहाँ पे क्या होता है कि विसर्ग का लोप हो जाता है। तो यहाँ पे जो है इस हल को हल हली हल बाद में हल मतलब व्यंजन वर्ण बाद, इसको जो है उस सूत्र में अनुवर्तन किया गया, इति अस्य हल इति अनुकृष्ट, इस सूत्र से हल को वहाँ पे आप अनुकर्षण कहाँ करेंगे, आगे पीछे का सूत्र से अनुकरण होता है, ये 131 ही 132 है, इसलिए बोलते हैं ये अनुकृष्ट हलादो एवं, आप थोड़ा देख लेना लघु है आपके पास यहाँ पे नहीं है, हमने देखा था मैंने लिखना भूल गया, यहाँ पे 6-1, 131 जिस वर्ण बाद में उसका आदि में हल होना चाहिए, व्यंजन वर्ण होना चाहिए, इस प्रकार व्याख्या होने के कारण उच्च अभाव वहाँ पे उकार नहीं हो पाए, वकार को उकार नहीं हो पाए, अवधेय में ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि व्यंजन वर्ण आदित्य है यहाँ पे, हाँ इसलिए इतना ही हमें व्याकरण की नियम को दिखाया, हम लोगों को तो कह देने का बाद भी समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, ये लोगों को देख के व्याकरण वहाँ पे ऐसा कहा यहाँ पे कैसे हुआ तुरंत दिमाग में आ, ये जो षष्ठ पीठाधीश्वर थे ये जो है व्याकरण के मतलब इसी में ही लगा रहते थे, पूरा व्याकरण अच्छा दर्शन के पूरा मान इन्होंने किसी को देखा इधर उधर के नहीं, ये हो गया छठा और चलिए 5वां नंबर हो गया, 6वां नंबर जिज्ञासया मिला, 6वां नंबर टिप्पणी जिज्ञासया समस्त उपासना विधित्सया इति, जिज्ञासा मतलब समस्त उपासना, क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ कि उन लोगों को उपासना करके फल नहीं मिल रहा था तो उससे कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो जिज्ञासा क्या ये उपासना में कुछ गलती तो नहीं है, तभी तो गया था उनके पास विद्यांत तेरा राष्ट्रपति करके पूरा उपासना है, तब बोलते हाँ तुम गलती कर रहे हो, तुमको ऐसा सोचना चाहिए, पूरा सोचना चाहिए, इसीलिए हम बोलते हैं समस्त उपासना विधित्सया इति वक्षमान उपपत्ते, जो आगे बोला जाएगा उसकी युक्ति संगता को दिखाने के लिए विष्णष्टि यहाँ पे व्याख्या करते हैं, जिज्ञासया इत्यादि ना जिज्ञासा इस बात को तरह है, मतलब आगे श्रुति विधान करना चाहती है क्या समस्त उपासना, इसीलिए उस व्यक्ति के अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न किया कि मैं जो केवल दुलोक को जो वर्षना रखने का सर है उसी को मैं केवल वर्षना समझ कर उपासना करता था, उसको ये पता नहीं था कि वर्षना पूरा पुरुष है, वो केवल इतना ही जानता था, तो इसीलिए बोलते हैं उसको विधान करने की इच्छा से उसके अंदर से जिज्ञासा उठाया, इसीलिए इकट्ठा हुई फिर सब मिलकर अश्वपति कोई के पास है, इसीलिए बोलते हैं आगे की बातों के साथ युक्ति संगता को दिखाने के लिए यहाँ पे जिज्ञासा शब्द
प्रयोग किया। मूर्धा तू ईश्व आत्मन, ये जो आप जिसका उपासना करते ना दुलोक को वैष्णव, ये तो केवल वैष्णव पुरुष का मूर्धा है, शेज है केवल इतने मात्र वैष्णव आत्मन, ये तो ईश्व आत्मन। इति अखंड पक्ष सूचनानंतरम एव, एक अखंड पक्ष के सूचना में मूर्धा इत्यादि निंदा वचन प्रवृत्त तो दिखाया। आप केवल एक को उपासना करते उसका तो पूरा शरीर एक इस प्रकार, इसीलिए यदि तुम इस प्रकार नहीं जानते इसी को पूर्ण मान करके करोगे। अब सामान्य देखिए, आपका पिताजी आपके घर में आपके लिए बैंक में कुछ पैसा रखता है, आपने मरने के बाद पूरा नहीं देखा, आपके पास हाथ में एक पुस्तक आया, आप सोचा इतना ही होगा, आप उतने लेकर के वो खर्चा हो गया, फिर आप दुखी हो रहे। फिर किसी ने कहा नहीं नहीं आपका पिताजी को तो उस बैंक में नहीं अकाउंट था। अब क्या हो जाएगा, यदि पूर्णता की ज्ञान होती तो आपका ही धन आप काम उपयोग में ला सकते थे, पूर्णता की ज्ञान नहीं है, आपका ही धन आप नहीं प्राप्त करके भिखारी की तरह भीख मांग रहे, यही तो हो रहा है। तो यहाँ पे ही बोल रहे हैं कि पहले आपको दिखाया कि तू तो एक देश को लेकर के विचार करते, इसलिए तो दुखी हो रहा है, पूरा शरीर पूरा पुरुष विश्वास विराट पुरुष के रूप में उपासना करो तब पूर्ण फल मिलेगा तुमको, और नहीं तो क्या होगा, तुम केवल मात्र मूर्ख तुम्हारा अपमानित मूर्ख तुम्हारा गिर जाता, दिमाग पूरा स्पष्ट नहीं काम करता, परिचिन्न बुद्धि में दिमाग सार्थान्वित हो जाता है। आप देखना बौद्धिक विस्तृति होता कैसे है, आपकी बुद्धि में स्वच्छता अथवा बुद्धि में निर्मलता अथवा बुद्धि के विकास होता कैसा है, आप केवल अपने लिए काम करोगे अपनी बुद्धि का विकास देखो, और अनेकों के लिए आप काम करते हो अपनी बुद्धि का विकास देखो। इसलिए हमारे गुरुग्रंथ की कथन है कि विशाल अनेक कर्मों की कर्तव्य दायित्व को पालन करने के माध्यम से तुम्हारा बुद्धि के विकास होती है। स्वाभाविक रूप में आप देखिए एक छोटा चीज को आप, इसीलिए तो क्लास वन से लेकर के एमए क्लास के कोर्स में भिन्नता होते हैं, क्यों, पहले एबीसी सिखाया जाता है, उससे लंबा चौड़ा ग्रंथ कई ग्रंथों के एक साथ आ जाता है, तो क्या हुआ धीरे धीरे बौद्धिक विकास होते हैं। ये केवल एक जगह पे नहीं, यही सिस्टम था, परंतु आप आज हम लोग फिर जो है अपने को परिच्छेद में लेकर के सुखी होना चाहते हैं, पहले तो वो सुखी नहीं होते, दुखी होते हैं, दुखी होते हैं। इसीलिए आप बोलते हैं एतेना मूर्धा तु ईश्व आत्मन इति अखंड पक्ष सूचना अनंतरम एव, पहले अखंड पक्ष दिखाया, फिर बोलता है देखो एक अखंड को तुम खंड रूप में उपासना करोगे तो तुम्हारा सर गिर जाएगा, निंदा वचन प्रवृत्तम इति सूचयति, इसको दिखाते हैं। सात नंबर टिप्पणी उपगतस्य मतलब औपमंडव आदि इच्छा ऋषि जो आया था ना, उपगत मतलब उसके पास गया था ना, उपगत पास गया था, ठीक है ना, तो क्षय ऋषि जो आए थे उसके उपगत उपमन्न सत्य यज्ञ फिर बूढ़ी ऋषि जन सर्ग रक्ष बूढ़ी ऋषि का नाम था। तो मैं बोलना देखो क्रिश्चियन लोग अभी जन जॉर्ज बूढ़ी ये सब क्रिश्चियन नाम होते हैं जन नहीं, परंतु हमारे ऋषि का नाम था, वो इस चीज़ लेकर के अपने में लगा देते हैं जैसे भी है। तो यहाँ पे उपगत मूर्धाते व्यापतिष्य जन्म, यहाँ तक हो गया था कि तुम्हारा जो मूर्धा गिर जाता जो तुम मेरे पास नहीं आते, जन्म में व्यस्त उपासना निंदा समस्त उपासना विधि से दृश्य थे न चो, ये बोल रहा भी वहाँ जो अभिप्राय क्या कि आदमी न चो दूलोक आदि कम विपरीत बुद्धिया गृहित स्वकीय मूर्धादि परिवर्तन उचितम यदि अध्यात्म अधिदैवयोर एकत्व न भवे तस्मात् तयोर एकत्व मात्र विवक्षणा भवति। ये यदि अध्यात्म आनंदगिरि जी क्या बोल रहे हैं, आप यदि केवल मात्र दुलोक को मूर्धा समझ के व्यस्त उपासना करेंगे तो आपका मूर्धा गिर जाएगा। इस अभिप्राय क्या है कि यदि आध्यात्मिक और अधिदैवी की मुर्दा एक नहीं होता, मतलब इन दोनों के बीच का संबंध नहीं होता, तो एक देश को पूर्ण मानकर उपासना करने से तुम्हारा बौद्धिक विकास नहीं होता, ये नहीं कहते। यानी कि आध्यात्मिक अधिदैविक में योग है, इसलिए तुम जिस अंग को मान करके पूरा मानकर उसी अंग तुम्हारा खराब होगा। जो व्यक्ति केवल मात्र पैर को वैष्णव मान करके उपासना करता तुम्हारा पैर टूट जाता, जो व्यक्ति केवल मात्र सूर्य जो आँख को वैष्णव को तुम्हारा अंध हो जाते। इन यदि इन दोनों में एकत्व नहीं होता तब बोलता तुम दुवश्वर की उपासना स्वर को तुम दूलो को कर दो तुम्हारा पैर खा, ऐसा नहीं कर सकते, नहीं आ रहा समझ। अगर हम
व्यष्टि उपासना करें। व्यष्टि उपासना मतलब आप क्या एक अंग को पूर्ण समझ के उपासना करो, को वैश्वानर मान के उपासना केवल। हाँ, तो वो ये कहना चाहता है यदि इस व्यष्टि और समष्टि में एक रूपता नहीं होती तो सूर्य को वैश्वानर का मान के उपासना करने से वो ये कह सकता था, क्या कह सकता था, तुम्हारा पैर खराब हो जाता। नहीं, केवल मतलब उतना ही फल मिले, व्यष्टि फल मिल जाए जो सूर्य उपासना का होता है केवल। फिर तुम तो ऐसा तो नहीं कह रहे हैं ना। हाँ, वो ये कह रहा है कि तुम यदि इसको नहीं करते तो श्रुति हमारी, मैं पहले हमेशा बोला ध्यान रखना, कल मैं इस चीज को बोला था, कभी भी आदर्श को जीवन के साथ मत मिलाओ, जीवन को ऊपर से आदर्श को जाने। आपने सोचा इस शब्द क्यों बोला, मैं इसलिए बोला क्योंकि हम अधिकतर ये करते हैं, मैं भी तो उपासना कर रहा हूँ, मैं भी तो एक जगह, परंतु श्रुति ने जैसा बोला वैसा करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसी चीज को बोल रहे हैं कि तुम यदि केवल अपने सिर के साथ और लुलु के सिर के साथ यदि संबंध नहीं होता, पैर के साथ पृथ्वी के साथ संबंध नहीं होता, तो हम यदि दुलु को शेष समझ कर उपासना करते तो हमारा पैर टूट जाता, ऐसा कहता हूँ वहां पे। पर श्रुति ऐसा नहीं कही, जो जिसको जिस अंगों को पूर्ण मान करके सोच रहा था उपासना करता उसको उसी अंगों के ऊपर आघात करते हैं। इससे क्या दिखाना चाहते हैं कि व्यष्टि उपासना निंदनीय है, समष्टि उपासना अभिप्रेत है। सुखी हमारा बगल में कोई व्यक्ति पीट रहा है उसको मैं देखा, मैं तो अपने मेरे को तो कुछ नहीं किया, यही तो हो रहा है। तो इसलिए बोलते हैं कि व्यष्टि विपरीत बुद्ध भी तो बता, मैं तो विपरीत बुद्धि ही है। कल वही व्यक्ति, आज ये व्यक्ति आकर के हमको मार रहा है, तुम चुपचाप बैठे हो, वो मेरे को तो कुछ नहीं किया, कल यही व्यक्ति तुमको मारेगा तब पता लगेगा। तो ये यहाँ पे बोलते हैं नचे दूलो का अधिक्रम विपरीत बुद्धा विहित मत, दूलो का अधिको ये विपरीत बुद्धि है, विपरीत बुद्धि से मतलब व्यष्टि को बस मैं तो अपने में पूर्ण हूँ, यही विपरीत बुद्धि है, हम सब मिल करके तो पूर्ण है। ये जो ऋषि लोगों ने जो दे करके गया कितने अनादिकाल से चलता है, परंतु ये हम भूल रहे हैं और ये हमारे लिए परिच्छेद का टुकड़ा टुकड़ा समाज टुकड़ा टुकड़ा होता जा रहा है इसी कारण से, और इसी का फल भोग रहे हैं हम लोग। इसलिए नचे दूलोक आदि कम विपरीत बुद्धि गृहित, विपरीत बुद्धि से गृहित होने वाले का स्वकीय मूर्खादि परिपतन उचितम, तो दूलोक को अपना मूर्ख क्यों, क्योंकि यही है कि तुम्हारे साथ इसके साथ उसका कनेक्शन है, सीधा सीधा कनेक्शन है। यदि तुम उसको नहीं समझ पाओगे तो तुम्हारा बौद्धिक विकास पूर्ण हो ही नहीं पाएगा, तुम सुरक्षित नहीं रह सकते, नाश होगा ही तुम्हारा, सुरक्षित नहीं रह सकते। फिर उचितम यदि अध्यात्म अधिदैविक एकत्व ना भवे, यदि आध्यात्मिक अधिदैविक में एकत्व नहीं होता तो इस प्रकार वहां पे निंदा करना और तुम्हारा इस अंग खराब हो जाता ऐसा कहना युक्ति संगत नहीं, उसमें एक मधुविद्या है, मधुविद्या मतलब मधुकांड के द्वितीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण मैत्री ब्राह्मण के बाद यम पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु अस्य पृथ्वी सर्वाणि भूतानि मधु यस्यं पृथिव्यां तेजोमय अमृतमय पुरुष यस्यं शरीरे अयमेव स इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदम् सर्वम्, ऐसा करके मंत्र आता है। तो वहां पे क्या दिखाता है, यम पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु, मधु मतलब क्या होता है, मधु मतलब होता है मधु आप कैसे अनेक मधुमक्खी अलग अलग पेड़ से अलग अलग जगह से रस को आवरण करके लाते हैं, अपनी छत्ता में भरते हैं, तो तब क्या होता है मधु अलग अलग फूल फल क्या कुछ नहीं है, एक मिल करके एक बनते हैं और एक बनने के बाद सभी मधुमक्खी मिलकर उसको खाते भी हैं। मधु से अभिप्राय क्या है, ये है अलग अलग जीवों की अलग अलग कर्म है, ये सभी जीवों की अलग अलग कर्मों से एक पृथ्वी सृष्टि बना, पृथ्वी मधु है। यम पृथ्वी सर्वेशां भूतानां मधु मतलब समस्त जीवों की कर्म से ये पृथ्वी बना, अस्य पृथ्वी सर्वेशां सर्वाणि भूतानि मधु, इस पृथ्वी के रूपी इस मधु को समस्त जीव मतलब उसको भोग करते हैं।
अब क्या बोलता है, जस्य पृथिव्यम तेजोमय अमृतमय पुरुष, ये पृथ्वी में तेजोमय अमृतमय पुरुष है, शरीर है तेजोमय अमृतमय पुरुष, अयमेव शरीर, शरीर में जो तेजोमय, ये वही पुरुष है, दोनों एक ही है, अयमेव शरीर, यो अयम आत्मा, ये जो आत्मा रूप में है। और वहां पे आगे उस बोलता है इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम, क्योंकि द्वितीय अर्थ समाप्त होने जा रहे हैं, द्वितीय अर्थ है प्रथम अर्थ है मधु ब्राह्मण के प्रथम अर्थ है में जो दसवां कंडिका है उसमें प्रश्न उठाता है वो ब्रह्म किसको जानता है जिससे सर्वात्म भाव को प्राप्त किया, ये वही सर्व है। फिर जो हमारे इसमें पूछा था अजात शत्रु में ब्रह्म ने ब्रवाणी थी वो जो प्रतिज्ञा किया था और तीसरा कि हम अमृतांशम ये मिश्य की मैं अमृतत्व हो जाऊंगी मैत्री, ये इतना बोल करके मधुर ब्राह्मण ने कहते ये वही ब्रह्म है ये वही अमृत है और ये वही सर्व है, एकदम ब्रह्म एकदम अमृत एकदम सर्व, मूल मंत्र दिखाते हैं ये भगवान भास्कर श्याम जय उसको अर्थ करते हुए कि देखो कैसे श्रुति की एक वाक्य तो है और उपसंहार में उपसंहार के एक वाक्य तक दिखाए वो जो वहां पे प्रतिज्ञा किए थे कि ये सर्वात्म भाव है यही ब्रह्म है यही अमृतत्व है, कौन जो ये हमारे अंदर में पुरुष है जो शिक्षा में पुरुष दिखाई पड़ता है, उसी को मन में रखते हुए यहाँ पे बोलते हैं देखिए ननु विराजो विश्वेन एकत्व एवं मूल ग्रंथे दृश्यते, है ना, आपके यहाँ पे क्या दिखाई पड़ते हैं विराट पुरुष के साथ, यहाँ पे ठीक है विराट पुरुष के साथ और वैश्वनर का एकत्व दिखाई पड़ रहा है, इतना ही कह रहे हैं ठीक है ना। यहाँ पे क्या देखे पहले क्या कहा था कि आपने आध्यात्मिक अतिदैविक को एक कैसे कर दी, आप बोलते हैं कि यहाँ पे विराट पुरुष के साथ स्थूल के साथ स्थूल के एकत्व दिखा रहे हैं, विराट पुरुष के साथ वैश्वनर का एकत्व दिखा रहे हैं, आप हिरण्यगर्भ को आप इसको साथ कैसे कह सकते, आप हिरण्यगर्भ तेजस के साथ तेजस के साथ हिरण्यगर्भ का और ईश्वर के साथ प्राज्ञ का इसके एकत्व कैसे कह सकते, यहाँ पे देखो बड़ी इतना ही दिखाया, यहाँ पे बोलते हैं ननु विराज विश्वेन एकत्वम एवं मूल ग्रंथ दृश्य तो उतना ही दिखाई पड़ते हैं, तत् कथम अविशेषण अध्यात्म अधिदैवयोर एकत्वम विवक्षित्व अद्वैत पर्यावसन, ये जो है वो कैसे अविशेषण सामान्य रूप से मतलब आध्यात्मिक अधिदैविक अवच्छेदेन, एक नंबर टिप्पणी में वहाँ पे देखिए थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा, एक नंबर टिप्पणी में देखिए लिखा है पढ़ो पेज 21 में एक नंबर टिप्पणी अवच्छेदन वकार लगाई वहां पे आध्यात्मिक अधिदैविक अवच्छेदन इति अर्थ ठीक है ना, तत् कथम अविशेषेण अध्यात्म अधिदैवयोर एकत्वं विवक्षित्व अद्वैत पर्यावसनम भाष्यकृता उच्यते, वहां पे तो केवल विश्व और विराट को बोला बाकी तो किसी को नहीं बोला, भाष्यकार बोल रहा है इतना मात्र से अद्वैत में पर्यावसन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा कैसे हो जाएगा, वो वहां पे तो हमारा सूक्ष्म शरीर भी है कारण शरीर बोलो कहाँ जाएगा, वो तो अलग अलग रह जाएगा, आगे का मंत्र आएगा ना, ये तो चीज है कि पूरा चीज एक ग्रंथ को आगे क्या कहने जा रहा है उसके स्पष्टीकरण यहाँ से आपका धीरे धीरे बीज बोता जाएगा, बीज बोता जाएगा मात्र, तो शंका उठा ननु विराज विश्व एकत्वम एवं मूल ग्रंथ, यहाँ पे तो केवल मतलब स्थूल शरीर के साथ व्यष्टि स्थूल के साथ समष्टि स्थूल का एकत्व इतना ही मात्र कहा गया यहाँ पे, तो भाष्यकार कैसे बोल रहा है कि व्यष्टि सूक्ष्म मतलब इससे अद्वैत का सिद्ध हो जाएगा, अभी तो सूक्ष्म शरीर रहेगा कारण शरीर रहेगा ये कैसे हो जाएगा, ये शंका उठा रहे हैं, इसलिए बताम अविशेषण अध्यात्म अधिदैविक और एकत्व विवक्षित अद्वैत पर एक केवल मात्र आध्यात्मिक अधिदैविक स्थूल में एकत्व है, इतना ही तो आपने कहा कि इस अद्वैत कैसे सिद्ध होगा, इस अद्वैत कैसे सिद्ध होगा, है ना, इधर भाष्यकृत उच्चते भाष्यकार का द्वारा कैसे कहा जाता है, तत्र आह इसके उत्तर में क्या कहते हैं, देखिए ये शंका है, इसको उत्तर में भाष्यकार क्या बोलते हैं, विराज एकत्वम उपलक्षण अर्थम हिरण्यगर्भ अव्यक्तित्व आत्मनः, ठीक है, ये जो पंक्ति लिखा इस पंक्ति के पीछे क्या शंका है, ये आनंद गिरी उठा है, क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे मन आपने तो केवल मतलब स्थूल शरीर के एकत्व दिखाया व्यष्टि स्थूल के साथ समझ, परंतु कारण शरीर सूक्ष्म शरीर कहाँ जाएगा, बोलते ही उपलक्षण है, उपलक्षण मतलब अपना बोध करके आत्म सजातीय वस्तु का बोध कराते हैं,
चक्षुरादि इंद्रिय हमने बोला, तो अधिपत से किसका ग्रहण होगा? बाकी इंद्रियों का ग्रहण होगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे ये जो व्यष्टि स्थूल शरीर को बोला गया है ना, ये आपका सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का भी लक्षण है। इसीलिए कारण में भी हमने शरीर शब्द प्रयोग करते हैं, कारण शरीर। हाँ, इसीलिए हम कारण में भी शरीर शब्द प्रयोग करते हैं। मतलब एक जगह पे शरीर दिखाने से समझना है। और क्यों भगवान भास्कर ऐसा बोला, तब बोलते हैं यहाँ पे विराज एकत्व उपलक्षण। विराट पुरुष के साथ एकत्व यहाँ पे दिखाया गया ना, ये उपलक्षण है। किसका उपलक्षण है? कि व्यष्टि सूक्ष्म का समष्टि सूक्ष्म के साथ, व्यष्टि अज्ञान का समष्टि अज्ञान के साथ एकत्व है। एकत्व क्यों? हम पहले बोला हम एक ही तत्व के ऊपर सब कुछ देख रहे हैं, दो हमारे पास है ही नहीं, एक ही अधिष्ठान के ऊपर। इसलिए बोलता है हिरण्यगर्भ अव्यकृत आत्मा उपलक्षण। हिरण्यगर्भ के साथ तेजस का और अव्यकृत मतलब ईश्वर के साथ प्रहत्व का, इसका भी उपलक्षण है ये एकत्व। ठीक है ना, वैराज एकत्व हिरण्यगर्भ अव्यकृत और उपलक्षणार्थम। ठीक है, अब इसके लिए भी देखिए वो मधु ब्राह्मण को देंगे। यहाँ पे टीका में फिर बोलते हैं जब मुखत विराज विश्वेन एकत्वं दर्शितं तत्तु हिरण्यगर्भस्य तेजसेन अंतर्यामिनश्च अव्यक्त उपहितस्य प्राज्ञेन सह एकत्वस्य उपलक्षणार्थम अतः मूल ग्रंथे अपि अविशेषेण अध्यात्म अधिदैवयोर् एकत्वं विवक्षितं इति अद्वैत पर्यवसन सिद्धि इति अर्थ। अब देखिए इस जब मुखत तो अपने शब्द मुखत अपने शब्दों के द्वारा विराज विश्वेन एकत्वं दर्शितं, विराट पुरुष के साथ मतलब समष्टि स्थूल शरीर के साथ समष्टि व्यष्टि स्थूल शरीर का एकत्व दिखाया गया है। ठीक है ना, विराज मतलब समष्टि स्थूल शरीर, विश्व मतलब व्यष्टि स्थूल चेतन, एकत्वं दर्शितं तत्तु वो जो एकत्व है हिरण्यगर्भस्य तेजसेन, हिरण्यगर्भ का तेजस मतलब हिरण्यगर्भ हो गया समष्टि सूक्ष्म अभिमानी चेतन, और तेजस हो गया आपका व्यष्टि सूक्ष्म अभिमानी चेतन। ठीक है, हिरण्यगर्भ का तेजस के साथ। अच्छा, यहाँ पे एक भी और चीज देखिए, इस चीज को ध्यान देखिए, आपको दिखा किसको रहा है? व्यष्टि को पहले दिख रहा है कि समष्टि को पहले दिखा रहा है? समष्टि को पहले दिखा रहा है, हिरण्यगर्भस्य तेजसेन समष्टि पहले। हाँ, यही वेदांत की यही शुद्धता है, व्यष्टि से समष्टि नहीं हुआ, समष्टि को व्यष्टि रूप में देख समझ लेते हो आप, व्यस्ति से समष्टि उत्पन्न नहीं हुआ, समष्टि को अपरिच्छिन्न समझ लेते हो, मतलब व्यापकता को परिच्छिन्न समझते हो। इसीलिए हमें बोलते हैं हिरण्यगर्भ से तेजसेन अंतर्यामिनश्च अव्यक्त उपहितस्य चेतनस्य प्राज्ञेन सह एकत्व। ये देखो समष्टि अंतर्यामी मतलब माया उपहित चेतन, जिसको अव्यक्त बोलते हैं, ईश्वर भी बोलते हैं, आकाश भी बोलते हैं, सब शब्दों के द्वारा बोलते हैं कि वहाँ पे क्या हो गया कि उसका उसके द्वारा उपहित चेतन प्राज्ञेन सह एकत्व, किसके साथ एकत्व दिखाएगा? सामान्य रूप से अध्यात्म अधिदैव एकत्व विवक्षित, ये आध्यात्मिक अधिदैविक को एकत्व देखा बोलना अभिप्रेति अद्वैत पर्यवेक्षण सिद्धि, मतलब क्या हो जाएगा उससे जो आपका समष्टि सूक्ष्म शरीर फिर समष्टि कारण शरीर वो सब एक ही है ना, उसमें भिन्न अलग अलग नहीं है, ये फिर ये सभी लय हो जाएगा, समष्टि स्थूल शरीर समष्टि सूक्ष्म शरीर समष्टि अज्ञान सब जाएगा, तो उसमें द्वैत परिष्ठा नहीं बचेगा, ये इसका अभिप्राय है ना, ये अभिप्राय अभिप्राय। ओम, आज किसको करना है? अजमपि यनियोगं प्रापदैश्वर्ययोगा अगतिं च गतिमत्तां प्रापदेकं हि अनेकं विविधविषयधर्मग्राहिमुद्धेक्षणानां प्रणतभयविहन्त्री ब्रह्मजत्तन्नतोऽस्मि यो ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ